हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉगर में गूगल एडसेंस के एड्स को कैसे और कहां कहां प्लेस करते हैं, चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभय है और आप देख रहे हैं डेली डिजिटल डोज। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, साथ ही जो ऑल का जो ऑप्शन आता है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने गूगल एडसेंस पे जाना है। जब गूगल एडसेंस पे आप आओगे और यहाँ पे जो एड्स का जो ऑप्शन मिलेगा, इसके ओवरव्यू पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस मिलेगा। यहाँ तीन ऑप्शन आपको मिलती है, बाई साइट, बाई एड यूनिट और ग्लोबल सेटिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ कि बाई साइट पे जाना है और यहाँ लेट गूगल प्लेस एड्स योर। अगर आपको ऑटोमेटिक एड लगानी है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से एक कोड मिलेगा, इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से। और कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्लॉगर में आना है और ब्लॉगर में थीम पे क्लिक करना है। उसके बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, एडिट HTML पे जाना है और उसके बाद आपका ये जो है कोडिंग खुल जाएगा। कोडिंग के बाद जैसे ही हेड के जस्ट नीचे आपका जो हेड टैग यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, हेड टैग के जस्ट नीचे आपको जो कोड आपने जो कॉपी किया है उसको यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने गूगल एडसेंस का ये जो कोड है ये पेस्ट करके रखा हुआ है, तो ये कोड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर आपको सेव कर देना है। तो इतना आप कर लोगे, उसके बाद जब आप इतना कर लोगे तो फिर गूगल क्या करेगा कि आपके वेबसाइट पे एड्स को ऑटोमेटिकली जहाँ भी उसको जगह मिलेगा, अच्छा जगह, वहाँ पे एड्स दिखाना शुरू कर देगा। तो और वो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों वेबसाइट पे ऑटो एड्स भी लगा रखा है और मैनुअल एड्स भी लगा रखा है। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ऑटो एड्स और मैनुअल एड्स साथ में लगा सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, उससे गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ओवर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मुश्किल से 5 से 6 एड्स आप अपने एक पेज पे दिखा सकते हो, कोशिश करो कि 4 हो तो अच्छा है। ठीक है, तो अगर आपको मैनुअल और ऑटो दोनों लगाना है तो 5 या 6, नहीं तो मैनुअली अगर आपको लगाना है तो 4 ऐड लगाओ, और अगर ऑटो एड्स लगाना है तो गूगल खुद से आपका जो जितना होगा उतना शो करेगा। तो जैसे कि एड्स लगाने के लिए आप यहाँ पे जो भी आपका वेबसाइट यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा उसका यहाँ पे जो है वो शो करेगा लिस्ट में, तो उस पर आपको जाना है यहाँ पे। तो आप जाओगे एडिट पे जाओगे तो एडिट पे आपको जा करके पहले ऑफ दिखाएगा, उसके बाद एडिट पे जब जाओगे तो यहाँ से आपको ये जो है वो ऑन कर देना है, तो ऑन कर दोगे। बाकी आपको एड फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो एड फॉर्मेट यहाँ से आप ऑन ऑफ ऑन कर सकते हो। मैस्ड कॉन्टेंट का आपके ऊपर आपके वेबसाइट पर ऑन नहीं होगा, अगर मैच कंटेंट का ऑप्शन है तो ऑन होगा, नहीं तो ये ऑन आपको नहीं करना है। बाकी इन पेज एड्स कर सकते हो, फिर एंकर कर सकते हो, ये विजनेट कर सकते हो जो कि फुल एड्स दिखाता है स्क्रीन पे मोबाइल के। उसके बाद अगर आपको किसी पेज पे नहीं दिखाना है तो यहाँ पे उस पेज का लिंक डाल सकते हो और फिर आप यहाँ पे अप्लाई टू साइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि आपका ऑटो एड्स जो है वो अपने आपके वेबसाइट पर खुद ही दिखाना शुरू कर देगा मैनुअली। अब ये ऑटो एड्स की बात हो गई, तो इसमें आपको अपने ब्लॉगर में सिर्फ कोड पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। मैनुअली करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बाई एड यूनिट पे जाना है। एड यूनिट पे जाओगे तो आपका जो है ये तीन दिखाएगा, तीन ऑप्शन दिखाएगा। बहुत सारे लोगों का जो पुराना हो जाता है तो उसमें 4 और 5 भी दिखाता है, मेरा भी नया ही है तो मेरे में भी 3 ही दिखा रहा है। इसमें रिकमेंडेड साइट जो होता है ये होता है, बाकी ये 2 नेटिव होता है। तो कोशिश करें कि रिकमेंडेड का ही ज़्यादा यूज़ करें, इन दोनों का यूज़ मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाती है सेटिंग की, तो रिकमेंडेड पे आपको जाना है। रिकमेंडेड पे आप जाओगे तो आप जैसे यहाँ पे मैंने देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐड यूनिट जनरेट करके मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर ऐड यूनिट जनरेट नहीं करना आता है तो उसके लिए मैं बताता हूँ। आपको रिकमेंडेड पे जाना है, रिकमेंडेड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले नेम योर ऐड यूनिट, तो यहाँ पे आपको ऐड यूनिट का नेम देना है, जैसे कि साइड बार ऐड दे सकते हैं या फिर कंटेंट ऐड दे सकते हैं, जिसमें भी ऐड आपको दिखाना हो। ठीक है, यहाँ पे ऐड का नाम दे देंगे, उसके बाद स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे कैसे आपको शो करना। अगर स्क्वायर में आप सेलेक्ट करते हो तो इस तरह का ऐड आपको शो करेगा, हॉरिजॉन्टल अगर आप यूज़ करते हो तो आपको इस तरह से ये जो लॉन्ग जो हेड बैनर एड्स होते हैं उस तरह का दिखाएगा, और वर्टिकल में आपको इस तरह से लंबा वाला ये जो है इस तरह से दिखाएगा। यहाँ से आपको जो चूज़ करना है आप कर सकते हो। उसके बाद ये जो है यहाँ से आप अपना अगर आपको अपना फिक्स्ड साइज अगर आपको पता है तो आप फिक्स्ड साइज जो है वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो रिस्पॉन्सिव आप करोगे तो वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा, जितना उसको जगह मिलेगा उसके हिसाब से ऐड जो है अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं रिस्पॉन्सिव यूज़ करता हूँ, फिक्स्ड साइज मुझे नहीं पता है तो मैं रिस्पॉन्सिव यहाँ पर यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपको क्रिएट करना है। ठीक है,
तो जब क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो पूरे ऐड का कोड मिल जाएगा, ठीक है। उस कोड को आपको, इस पूरे कोड को यहाँ से कोड कॉपी कोड स्निपेट जो है वो कॉपी कोड स्निपेट करना है, और इस कोड को कॉपी करने के बाद आपको फिर अपने ब्लॉगर पे आना है। ब्लॉगर पे आप आओगे, लेआउट पर फिर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह से आपका जो है लेआउट खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है जो एड्स लगाने हैं तो वो आप एड्स लगा सकते हो। थीम में अगर आपके ऑप्शन है तो आप थीम में के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज खुद से यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मेरे थीम में यहाँ पे एक ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। बाकी आपको जो है ज़्यादातर साइड बार में आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे साइड बार में आपको लगाना है, साइड बार में आप ऐड अ गैजेट पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये एडसेंस, एक एडसेंस का ये मिलेगा, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज HTML और जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों को हम यूज़ करके देखते हैं। तो एडसेंस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिर्फ आपका जो कोड है ये देखिए, ये यहाँ पे ऑलरेडी ये दिखा रहा है, ठीक है आपका, क्योंकि एडसेंस अगर आपका कनेक्ट है ब्लॉगर से तो ये यहाँ पे ऑलरेडी शो करने लगेगा, आपको कोड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से खुद से कोड जो है अपना आपका वहाँ से ले लेगा और यहाँ पे आपको एड शो करने लगा, बस आपको सेव कर देना है, वो दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल, अगर आपको मैन्युअली प्लेस करना है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, HTML जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना है। तो HTML जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप टाइटल चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे। यहाँ पे अगर आप टाइटल भी दे सकते हैं, और कंटेंट में आपको यहाँ पे आ करके बस उस कोड को पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। आप सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो है एड्स पे ये सेव हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये सेव हो गया, इसको यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ फिर से एक बार। उसके बाद आपको अपने वेबसाइट को ओपन करना है, फिर देखना है कि क्या वो आपका जो ऐड है वो काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए व्यू ब्लॉग पे मैंने क्लिक किया, अभी देखिए मेरा वेबसाइट ओपन हो गया। मैंने वर्टिकल एड्स चूज किया हुआ था, यहाँ पे देखिए एड्स शो भी, यहाँ पे एड्स का एक ऑप्शन बन गया और यहाँ पे पूरा एड जो है वो शो होने लगा। तो इसी तरह से आपको जो है वो मैनुअल एड्स जो है अपने ब्लॉगर में लगाना है। बाकी कंटेंट के बीच में आप नहीं लगा सकते हैं, कंटेंट के बीच में कोई ऑप्शन मिलता भी नहीं है आपको लगाने के लिए। उसके लिए आप क्या करेंगे कि ऑटो ऐड जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ऑटो ऐड्स जो है वो खुद से इस तरह से ऐड जो है वो लगाने लगेगा। ये देखिए ये ऑटो ऐड ही है, ये जो मेरा दिखा रहा है यहाँ पे ऑटो ऐड है। उसके बाद और जो नीचे अगर दिखा, नीचे अभी नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक ऑटो ऐड हो गया और एक ये मैनुअल ऐड हो गया, दोनों साथ में वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको जो ऑटो ऐड और मैनुअल ऐड दोनों जो है वो इस तरह से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ऐड जैसे मैंने लगाया, उसके बाद यहाँ नीचे यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं ऐड अ गैजेट करके, ठीक है। जितना ऑप्शन आपको मिले उतने ऑप्शन में लगा सकते हैं। बीच में इसमें आप कोई मेन पोस्ट जो होता है उसमें आप नहीं कर सकते, उसके लिए ऑटो एड्स जो होता है वो इसी में काम करता है। इसीलिए आप ऑटो एड्स को ज़रूर ऑन करें ताकि जो है यहाँ जो ब्लॉक के बीच में जो ऐड दिखाता है वो यहाँ से दिखाना शुरू कर देगा। अदरवाइज जो एडसेंस का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया, आप उस ऑप्शन पे आप क्लिक करके भी एड्स दिखा सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि यहाँ पे अर्निंग सेक्शन पे आपको जाना है, और अगर आपका एडसेंस अप्रूवल है तो इस तरह से आपको दिखाएगा, और यहाँ पे भी आपको शो करेगा कि आपको किस तरह से ऐड दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेआउट में तीन ऑप्शन देता है ये देखिए, और आप अपना चाहें तो अपना भी यहाँ कस्टमाइज फर्दर विथ एडवांस एड सेटअप, तो आप अपना फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन में आपको किस तरह से दिखाना है, अगर साइड बार में और इसमें साइड बार में और ये जो बिलो पोस्ट जो होता है साइड बार में और बिलो पोस्ट अगर दिखाना है तो इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बीच में दिखाना है ओनली शो एड्स बिटवीन पोस्ट, तो ये भी ये सेलेक्ट कर सकते हैं, और ओनली शो एड्स इन द साइड बार, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका जो एड सिलेक्शन का जो प्रोसेस है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये तीन, दो तीन प्रोसेस हैं, आपको होप आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से आपको एड्स जो हैं वो अपने वेबसाइट में प्लेस करने हैं। अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन आती है तो आप जो भी क्वेरी आपका होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाकर के आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपका जो है जो भी क्वेरी होगा उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये एड प्लेसमेंट का जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।